वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े सिंपल वे में झटपट जबरदस्त से कौन समोसे बनाएंगे वो भी मेरे स्टाइल में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ मैदा है जो कि है 1 कप। इसमें अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के तेल और अब इसे हम भून लेंगे। अगर आपको समोसे क्रिस्पी चाहिए तब तेल डालें, जैसे क्रंच एक आता है ना, अगर खस्तगी चाहिए तब आप इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल दें। हमारे यहाँ क्रंच ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका थोड़ा सा सेमी हार्ड साइड पे आटा गूंद लेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मैं बताऊंगी आपको कितना गया। वैसे तो मैंने बहुत तरह के समोसे बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल हटके है, मज़ेदार है और इजी टू मेक है और इजी टू ईट है और फ्रीज भी कर सकते हैं बड़े मज़े से। अभी ये हार्ड साइड पर लग रहा है, इसको हम कवर करके रख देंगे तो ये थोड़ा सा इसमें लचक आ जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगा। और पानी हमने यूज़ किया है लिटिल लेस देन 1/2 कप। 20-25 मिनट्स के लिए रख देते हैं और इस दौरान हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग भी बड़ी सिंपल सी है। तो यहाँ देखें हमारे पास आलू है जो कि है 1.5 पाउंड 700 ग्राम के आसपास, बॉईल कर लिए थे बिना नमक डाले, तो इसको हाथ से ब्रेक कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह नहीं करेंगे, जैसे छोटे छोटे चंक्स रहने देंगे क्योंकि वो आलू के समोसे में अच्छे लगते हैं। तो अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, हमारी तेज़ नहीं है, अगर आपकी तेज़ हो तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून रेगुलर नमक। आलू चूँकि थोड़े से ड्राई होते हैं तो इसमें हम डाल देंगे अराउंड 2 टीस्पून के आसपास तेल और साथ ही यहाँ हमारे पास हरा धनिया है, ये डाल देंगे 2 टेबलस्पून के आसपास और इनको मिक्स कर लेंगे। पहले मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर लिया था और अब मसाला डाल के मज़ीद ब्रेक कर रही हूँ और अब इसमें हम डाल देंगे अराउंड 1 टेबलस्पून के आसपास नींबू चलो ये अच्छे से मिल गया और अब इन्हें भी हम साइड में रख देते हैं और अब आते हैं अपने घोल की तरफ। तो यहाँ हमारे पास 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून छना हुआ बेसन है जिसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून के आसपास नमक और 1/4 टीस्पून के आसपास हल्दी, ये चला जाएगा इसमें, साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू 1 टीस्पून के आसपास मैं बताती हूँ पानी कितना गया। स्मूथ सा कर लेंगे तो ये देखिए बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी है, ये इस तरह से टपक रहा है और इसको हमने बनाने के लिए 5 टेबलस्पून पानी यूज़ किया तो अब इसे भी साइड में रख देते हैं। तो चले मिलते हैं 20 मिनट्स में। देखिए 20-25 मिनट हो गई है तो हम देखते हैं हमारा डो कैसा लग रहा है। तो ये देखिए सॉफ्ट हो गया, तो इसको अब थोड़ा सा इस तरह से गून लेते हैं और इसके 3 पीसेस कर लेंगे।
और इसकी रोटियां बेल लेंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर छिड़क लेते हैं और अब बेल लेते हैं। तो ये देखें हमारी थिन सी रोटी बन गई है और यहाँ हमने तवा बिल्कुल स्लो गरम करने के लिए रखा है, तो इसे हमें बिल्कुल लाइटली लाइक 20 सेकंड तक पकानी है। तो ये रोटी उठाएंगे, इसको डाल देंगे और दूसरी बेल लेंगे। तो ये देखें हल्का हल्का जैसे वाइट आ गया है, इतना ही हमें करना है। तो बस ये हो गई। तो ईच साइड हमें 10 सेकंड रखनी है। तो ये जो शीट्स हम बना रहे हैं ना, अगर आप चाहें तो इसे जिपलॉक बैग में रख के और हफ्ता तक चला सकते हैं, फ्रिज में रख दें, जब दिल चाहे यूज भी कर सकते हैं। चूल्हे को ऑफ करते हैं और अब नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। यहाँ तेल रख देते हैं और इसका चूल्हा बिल्कुल लो ऑन कर देते हैं। तो रोटियों को थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि थोड़ी सी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए और यहाँ बाय द टाइम हम इसकी एक लई तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने भर के एक टेबल स्पून मैदा लिया है और बस इसको पानी में घोल लेंगे, थोड़ी थिक सी लई बना लेंगे। तो बताऊँगी कितना पानी गया। तो ये हो गई है, देखिए थिक सी, इस तरह की चाहिए कि चम्मच में भर ले। और इसको बनाने में मैंने 2 टेबलस्पून पानी यूज़ किया है। तो चले इसको किनारे पर रखते हैं और अपनी रोटियों को ले लेते हैं। तो बस इसे हमें 4 पीस में काटना है। तो ये हाफ हम यूँ देख लेंगे, ये इस तरह से निशान भी कर देंगे दबा के, फिर यूँ कर देंगे हाफ। तो ये 4 का निशान हो गया, बस इसे काट लेंगे। छुरी से काटे, कैची से काटे, पिज़्ज़ा कटर से काटे, फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, हमारे पास इतनी सारी शीट्स आ गई। तो कोन बनाने के लिए एक उठाएंगे, इस शीट में एक ज़रा सा टच इनसाइड यहाँ थोड़ा सा करेंगे इनसाइड, और उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है आउटसाइड का, इस पर पूरी लाइन कर देंगे इस तरह से यूं। तो बाहर की तरफ हमने पूरी लाइन की है और अंदर एक टच किया है। अब नीचे वाले पोर्शन को यूं मिलाएंगे इससे एंड तक ले जाएंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं हमने रखा है अंदर, जितना बस चिपकाने का है इतना ही। और ये वाला जो अंदर रखा था ना, इसको मोड़ देंगे अंदर यूं पहले और फिर इसको मिक्स कर देंगे। तो वो जो अंदर की लई हमने बनाई थी वो अंदर फोल्ड करने के लिए बनाई थी। तो बस इस तरह से कर देंगे ताकि नीचे कोई होल ना रहे, और थोड़ा सा दबा देंगे हाथों से। तो ये हो गया, इस तरह से रखते जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हमारी सारी कोन बनके रेडी हो गई। अब लई को दूर रखते हैं और बेसन को करीब ले आते हैं, स्टफिंग को करीब ले आते हैं, और यहाँ तेल जो है हमने रख दिया था स्लो पे। तो अब फिलिंग जो है वो अपनी कोन में डालेंगे, ये इस तरह से चम्मच से पकड़ के, लंबा थोड़ा सा चम्मच हो तो ये इस तरह से डालेंगे, नीचे तक दबा देंगे, मेक श्योर कर लेंगे नीचे तक पहुँचा है इस तरह से, और दबा के भर लेंगे और ऊपर से इस तरह से स्मूथ कर लेंगे, है ना, इजी पीजी। इतना ये इजी है रैप करना, बनाना, खाना, हर चीज़ ही बड़ी इजी है। तो ये हो गई, अब आप यहाँ रखते जाए और इस तरह से सारी फिल कर लें। तो चले अब यहाँ तेल चेक कर लेते हैं, तेल के क्या हाल हैं।
तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम गर्म चाहिए। तो ये देखें, कोई भी वुडन स्क्यूबर डाल के देखेंगे या वुडन स्पून, तो ये सिजल आना चाहिए, लेकिन रखने के बाद इतना आना चाहिए। जब शुरू में डालेंगे तो बहुत थोड़ा होना चाहिए। तो बस इसको अब डिप करेंगे हमारे बेसन के बैटर में इस तरह से। और तेल में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, बेसन की जगह, लेकिन अक्सर लोग जो है वो मैदा जो है अवॉइड करते हैं, थोड़ा कम यूज़ करना चाहते हैं। प्लस रमज़ानों में इतना बेसन हम घोल ही रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा घुल जाएगा तो इजी रहेगा, लेकिन चॉइस इज़ योर्स, फील फ्री। जितनी जगह है इतने डाल दें और अभी इसको हम हाथी लगाएंगे एक दो मिनट। और इसको फ्रीज करना, इसके रैपर को बहुत इजी है। तो ये देखिए, कोन लेंगे, कोन के अंदर कोन डालेंगे इस तरह से। वो कोई भी जिपलॉक बैग ले लेंगे, टपरवेयर ले लेंगे, उसमें ये डाल देंगे। अब ये रेडी टू गो है। अगर लंबे टाइम के लिए रखना है तो फ्रीज़र में रख दें, शॉर्ट टाइम के लिए रखना है जैसे दो दिन के लिए तो फ्रिज में रख दें, तो ये आपके आगे के लिए रेडी हो जाएंगे। देखिए, दो मिनट हो गई है, तो अब इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। तो बस अब धीमे धीमे से हम फ्राई करेंगे, क्योंकि क्रिस्पी करारे चाहिए ना हमें समोसे। देखिए, फ्राई होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर हम, मीडियम लो था ना चूल्हा, तो अब इसे हम मीडियम हाई कर देते हैं अपनी पसंद के कलर के लिए। अब बिंदास हिलाएं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, ऑलमोस्ट 12 मिनट के आसपास हो गए हैं। अब हम चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं। देखिए, ये कोन कैसे निकल रही है, दोनों आपस में हग करते हुए निकल रही है। इनमें भी देखें प्यार और इत्तफाक है कि जाएंगे तो साथ ही जाएंगे। तो यहाँ देखें, हमारे पास चटनी है जो कि एक हरी चटनी है जो हरी मिर्च और हरे धनिए की, और एक है खजूर की मीठी चटनी। मैंने तमाम चटनियाँ बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। और लास्ट मैंने ऑल पर्पज़ चटनियाँ बनाई थी जो कि रोल, समोसों में सब जगह काम आएगी, तो वो आप लोग देखिएगा। और मैं बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से सर्व करती हूँ। तो यहाँ देखिए, मेरे पास छोटे छोटे ग्लासेस हैं, इसमें मैं डाल देती हूँ। अगर आपके पास कुछ और अच्छी आइडिया आती है तो आप वो भी कर सकते हैं। और कुछ हिस्सा भी रख देंगे। तो देखा कैसे झटपट हमारे कोन समोसे बन गए, मानते हैं आप? तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसे रहे। इस कदर धुआंधार गर्म है और क्रिस्पी इतना खतरनाक है कि आप सुने आवाज, लेकिन बहुत खतरनाक गर्म है। दिल चाह रहा है फौरन खा लूं, लेकिन पैक्ड ऐसा है और हमने 12 मिनट फ्राई किया है ना, हाँ, तबंग गर्म है। तो ये आप लोग के लिए। कुछ गिरने पड़ने की स्टोरी नहीं है, जितना इजी और फन वे में बना इतना ही इजी और फन वे में पेट में चला जाएगा और मज़ा आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया ना, शीट किस तरह से फ्रीज भी कर सकते हैं, इसी तरह समोसा भी अगर आप चाहें तो लाइटली फ्राई करके रख दें और उसके बाद जब दिल चाहे निकालें, 3 मिनट के आसपास फ्राई करके और ठंडा करके फैला के, और फिर उसके बाद फ्रिज में आप जिपलॉक बैग भर के रख दें, टपरवेयर में रख दें। ये तो चिपकेंगे तो नहीं, क्योंकि लाइटली फ्राई हुए होंगे। और फिर जब खाना हो निकाले,
रखा हो जाए तो उसको फिर 7-8 मिनट तक अच्छे से फ्राई करके गर्मा गर्म सबको खिलाएं, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो बनाना बनता है डेफिनेटली, और टेस्ट भी ख़तरनाक है। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ रमज़ान में बनाएं और इफ्तार को खुशगवार बना दें, सबको एकदम सरप्राइज दे दें कि कौन आ गई है आपकी। तो चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।